राजस्थान में कोहरा मचा रखा है। वैसे तो आमतौर पर टिड्डी दल मानसून के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में आक्रामक रहता है और भारत में आता है, खासकर जो राजस्थान का सीमावर्ती इलाका है जैसलमेर बाड़मेर, यहाँ पर टिड्डी दल का कहर ज्यादा होता है और यह गर्मी के मौसम में ग्वार, तिल, मूंग वोट जैसी फसलों को बर्बाद कर देता है और रातों रात खेत खेत को खाली कर देता है। लेकिन अभी सर्दी के मौसम में भी टिड्डी दल ने कोहरा मचा रखा है और जैसलमेर बाड़मेर के कई सारे खेतों को यह खाली कर चुका है। तो टिड्डी दल क्या है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस संबंध में कुछ खास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो देखिए यह रिपोर्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा दी है। इस बार आतंकी हमले से नहीं बल्कि पाकिस्तान से आने वाली टिड्डियों के दल से है। पाकिस्तान में टिड्डी दल के बेकाबू होने के बाद वहां हवाई जहाज से इसके रोकथाम के लिए दवाइयां छिड़की जा रही है। इसके कारण पाकिस्तान से सटे राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों के हमलों के कारण परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दूं कि पिछले महीने भी पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में कई जगहों पर टिड्डी दल पहुंचने की पुष्टि हुई थी। इससे निपटने के लिए भारत और पाकिस्तान एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय में किसानों के खेतों को चट करने वाले टिड्डी दल के बारे में कुछ खास बातें हम बता रहे हैं। टिड्डों की कुल 11,000 प्रजातियां हैं। टिड्डे की 5 आंखें होती है और 2 बड़ी आंखें और 3 छोटी आंखें होती है। टिड्डे के कान उनके सर वाले हिस्से में नहीं बल्कि पेट के हिस्से में होते हैं। टिड्डे की हर प्रजाति खास तरह की आवाज निकालती है, दूसरे से अलग होती है। टिड्डे लंबी छलांग भी लगा सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। टिड्डे की लंबाई 1 से 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये अपनी लंबाई से 20 गुना ज्यादा छलांग लगा सकते हैं। टिड्डे हर साल करोड़ों की फसल बर्बाद कर देते हैं। अमेरिका में हर साल $1.5 अरब कीमत की चारागाह का नुकसान ये टिड्डे कर देते हैं। पृथ्वी पर टिड्डों का अस्तित्व डायनासोर से भी पुराना है। टिड्डे का एक झुंड एक दिन में 150 किलोमीटर तक हवा के साथ उड़ सकता है। टिड्डे का एक झुंड हर दिन ताजा खाना खाता है और वह अपने वजन जितना खा सकता है। एक छोटा झुंड एक दिन में लगभग 35,000 लोगों जितना खाना खाता है। टिड्डे फसल चट करते समय उसमें लार्वा छोड़ देते हैं। 7 से 12 दिन के भीतर लार्वा विकसित टिड्डे में बदल जाता है। टिड्डे दल के लाखों टिड्डे एक साथ खेत पर हमला करते है। ये धान, गेहूं, मक्का और ज्वार की फसल को चट कर जाते हैं। ये फसलें एशिया, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका का मुख्य आहार है। कीटनाशक का छिड़काव इन टिड्डों के खिलाफ थोड़ा कारगर साबित होता है। छिड़काव से टिड्डों की कम संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। संख्या ज्यादा हुई तो नियंत्रण करना काफी मुश्किल होता है। एक महीने में टिड्डों की टोली 1,000 किलोमीटर की यात्रा आसानी से कर जाती है। अब बात करते हैं कि टिड्डे आते कहां से हैं और कहां पर जाते हैं। टिड्डे वही होते हैं जहां का मौसम असंतुलित होता है। ये झुंडों में उड़कर कई किलोमीटर एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। अक्सर ये गर्म दिनों में ही झुंडों में उड़ा करते हैं। बारिश के दिनों और सर्द मौसम में इनकी उड़ानें लगभग बंद रहती है, लेकिन फिलहाल ये टिड्डे राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर परेशानी का सबब बने हुए, क्योंकि वहां पर मौसम अनुकूल नहीं रहता है। गर्मी के मौसम में टिड्डे अफ्रीका से भारत आते हैं। पतझड़ के मौसम में टिड्डे ईरान और अरब देश चले जाते हैं। ईरान अरब देशों से ये रूस, सीरिया, मिस्र और इजराइल की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद इनमें से कुछ भारत और अफ्रीका लौट आते हैं। यह मानसून के मौसम में इनका प्रजनन होता है। टिड्डों ने 2016 में अफ्रीकी देशों जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और घाना में बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद कर दी थी। टिड्डों के आतंक पर काबू पाने के लिए 13 अफ्रीकी देशों ने एक साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। फिलहाल इन टिड्डों ने पश्चिमी राजस्थान में तबाही मचा रखी है, खासकर जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। ये कई किसानों की लाखों की फसलें चट कर चुके हैं और फिलहाल वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की ओर से इन टिड्डों पर कोई खास नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, इसलिए किसानों के लिए ये मुसीबत का सबब बने हुए है। तो दोस्तों यह थी टिड्डी दल के बारे में कुछ जानकारी।
एक किसान घंटों मेहनत करता है, महीनों तक उसकी जो मेहनत होती है उसके बाद फसल उगती है, ऊंची आती है, और उसके बाद टिड्डी दल का रातों रात उस खेत को टिड्डी दल खाली कर देते हैं। और हमारी जो सरकार है वो सोई पड़ी है, इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। तो उम्मीद करूंगा कि राजस्थान सरकार की आंखें खुलेगी और किसानों के लिए कुछ करेगी और टिड्डी दल पर नियंत्रण के कठोर नियम अपनाएगी। अभी पाकिस्तान में भी टिड्डी दल का आक्रामक हमला हुआ है और वहां पर काफी प्रयास किए गए हैं, हवाई जहाज के द्वारा दवाई का छिड़काव किया गया है, और इसी कारण ज्यादातर वहां का जो टिड्डी दल था वो भारत में आ चुका है। तो यही हमारी सरकार से भी हम उम्मीद करेंगे कि वो भी कुछ ऐसे छिड़काव वगैरह करेगी ताकि टिड्डी दल कम हो या फिर यहाँ से खत्म हो जाए। तो ये वीडियो यही समाप्त होता है और अगली वीडियो में कुछ नया विषय और नई जानकारी लेकर मैं फिर से लौटूंगा। जाने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोज हैं उनकी जो अलर्ट है वो आपको मिलते रहे। वीडियो यही पर समाप्त होता है। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।